अगर आप भी भूतकाल और भविष्य की घटनाओं को बार बार सोच के चिंता से ग्रस्त हो जाते हो और आपको इसकी वजह से डर चारों तरफ से घेर लेता है और आपका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता, तो इसका एक रास्ता है जो आपको सारे डर और चिंता और भय से पूरी तरह से मुक्त कर देगा। एक ऐसा प्राचीन रहस्य जो आज के इस वीडियो में हम आपको कहानियों के माध्यम से बताएंगे, तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के की जो गांव में रहता था। वह लड़का अपनी पुरानी यादों को ना भूल पाने की वजह से परेशान था, क्योंकि एक ही बात को बार बार सोचता रहता था। अगर उस लड़के को कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता, तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता था। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती थी। फिर वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता था। अपनी इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके रिश्ते अच्छे थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो इस वजह से हमेशा तनाव में और हमेशा परेशान रहता था। उसकी यह हालत देखकर उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि यहां पास के गांव में एक बुजुर्ग रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस दिमागी प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल जरूर बता देंगे। वह लड़का उन बुजुर्ग के पास जाता है और अपनी सारी प्रॉब्लम उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों को भूल नहीं पाता है। लड़के की पूरी बात सुनने के बाद वह बुजुर्ग वहां से उठकर घर के अंदर चले जाते हैं। उन बुजुर्ग का बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले जाना लड़के को अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। इतनी देर बाद वह देखता है कि वह बुजुर्ग आदमी मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ आ रहे हैं। वह लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं और लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। वह लड़के से पूछते हैं, बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सही तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। अब उन बुजुर्ग ने एकदम गंभीर होकर कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। उन बुजुर्ग ने फिर से पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह एक घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तब क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। उन बुजुर्ग ने फिर से उस लड़के से पूछा कि अगर मैं इस ग्लास को बिल्कुल इसी तरह पूरे दिन पकड़कर खड़ा रहूं तब क्या होगा? लड़की ने कहा, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा और आपका हाथ सून भी हो सकता है। आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहां तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। उन बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बढ़ा? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा, गिलास भी वही था और गिलास में पानी भी उतना ही था। फिर से उन्होंने उस लड़के से पूछा, फिर भला मेरे हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? उस लड़के ने जवाब दिया, उस गिलास को बहुत समय तक पकड़े रहने के वजह से। उन बुजुर्ग आदमी ने फिर सवाल किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? लड़के ने बड़े आराम से जवाब दिया, गिलास को नीचे रख दीजिए। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बिल्कुल सही, और जिंदगी की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर इनके बारे में ज्यादा देर तक सोचोगे तो दिमाग में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर और भी देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो यह आपको पागल बना देगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन बुजुर्ग ने उस लड़के की तरफ इशारा करके कहा, जिंदगी के पिछले गलतियां और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उसे गिलास की तरह यह भी तुम्हारी जिंदगी में दर्द पैदा कर देगी। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो अतीत के बारे में सोचते रहने से अभी का आज तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम फ्यूचर में इसके लिए भी पछताओगे। बेहतर यही है कि पुरानी बातों और घटनाओं से सीख कर उन्हें वहीं भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो दोस्तों चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, खुद पर यकीन। एक समय की बात है, एक आदमी ने दो बिल्डिंग के बीच में एक रस्सी बांधी और वह दोनों बिल्डिंग बहुत ऊंची थी। रस्सी बांधने के बाद उस आदमी ने उस रस्सी के ऊपर कदम रखा और रस्सी पर चलने लगा। नीचे खड़े सारे लोग उस आदमी को देखने लगे और वहां पर काफी सारी भीड़ जमा हो गई।
वह आदमी धीरे धीरे करके उस रस्सी पर चल रहा था और सारे लोग उस आदमी को इस तरह देख रहे थे मानो कब वह नीचे गिर जाए। उस आदमी ने आधा रास्ता पार कर लिया तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। सारे लोगों को यह लगा कि वह नीचे गिरने वाला है लेकिन वह संभल गया। उस आदमी ने अपना रास्ता कंप्लीट किया और जब वह नीचे उतरा तो सारे लोग तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे और सिटी बजा रहे थे। वह आदमी फिर से उस बिल्डिंग पर चला और इस बार उसने अपने बेटे को अपने कंधे पर बिठाया और फिर से उस दो बिल्डिंग के बीच में बंधी हुई रस्सी पर चलने लगा। उसके बेटे ने उसको कसकर पकड़ लिया और अब तो सारे लोग बड़े ही हैरानी से उसे देख रहे थे। वह आदमी जैसे जैसे उस रस्सी पर कदम रख रहा था वैसे वैसे लोगों की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन इस बार भी उस आदमी ने अच्छे से उस रस्सी को पार कर लिया। जब वह नीचे आया तो उसने माइक लेकर पब्लिक की तरफ देखकर कहा, क्या आप लोगों को विश्वास है कि मैं यह फिर से कर सकता हूं? पब्लिक ने बड़ी जोश में हां कहा। उस आदमी ने फिर से पब्लिक की तरफ देखकर कहा, क्या आपको पूरा यकीन है कि मैं ये कर सकता हूं? और सारी पब्लिक ने फिर से हां कहा। उस आदमी ने कहा, तो फिर लाइए, मुझे आपका बच्चा दीजिए। तभी सारी पब्लिक शांत हो गई। उस आदमी ने कहा, जिस तरह मैंने अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर यह रस्सी पर किया, उसी तरह मैं आपके बच्चे को बिठाकर यह रस्सी पार करूंगा। क्या आपको यकीन है? इस बार पब्लिक में से किसी की आवाज नहीं आई। सारी पब्लिक शांत खड़ी थी। तभी उस आदमी ने कहा, अभी तो आपको मुझ पर पूरा विश्वास था, हिमेश रस्सी को पार कर सकता हूं, कि मैं इस रस्सी को पार कर सकता हूं, लेकिन अभी किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जितना विश्वास दूसरों पर होता है उतना ही विश्वास हमें खुद पर भी करना चाहिए। हमें उतना ही विश्वास खुद पर रखना चाहिए। आप दुनिया से पीछे इसीलिए है क्योंकि आप दूसरों को देखकर पूरे विश्वास के साथ यह कहते हैं कि वह कर सकता है, लेकिन आप कभी यह नहीं कहते कि मैं क्यों नहीं कर सकता। यही वजह है कि लोग आपसे इतने आगे निकल रहे हैं और आप वहीं खड़े रहकर देख रहे हैं। ऐसे ही आप भी अपने क्लास के टॉपर को आप देखते होंगे और कहते होंगे कि वह टॉप कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं टॉप कर सकते? अगर आप आज मन लगाकर पढ़ोगे तो कल को आपको नौकरी ढूंढने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आज आपने मौज मस्ती में और सोशल मीडिया में अपना वक्त गुजार दिया तो फिर जो आने वाला वक्त है उसमें आपको धक्के खाना पड़ेगा। खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करते जाओ क्योंकि बगैर मेहनत का कोई फल नहीं है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी बुरा वक्त। ये है एक राजा के बारे में जिसकी राज्य बहुत छोटी थी और सैनिक भी। चलिए पढ़ते हैं कि वो राजा किस तरह अपने राज्य को बचाता है। एक वक्त की बात है, एक राजा था और उस राजा का राज्य बहुत छोटा था और उस राजा के पास ज्यादा सिपाही भी नहीं थे। उसे हर वक्त यह डर रहता है कि कब किधर से कोई उसके राज्य पर हमला कर दे। एक बार और आज जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहा था, तभी जंगल में उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखते हैं जो बहुत ही ज्ञानी थे और सारे गांव वाले उन्हें से हर चीज की राय लेते थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा ताबीज दे दीजिए जो मुझे बुरे वक्त से बचा कर रखें। ये सुनने के बाद उन बुजुर्ग आदमी ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसा ताबीज या कोई ऐसी चीज नहीं दे सकता हूं जो तुम्हें बुरे वक्त से बचा कर रखें, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज दे सकता हूं कि जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो ताबीज को खोलने के बाद वह ताबीज तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस ताबीज को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो, तुम्हारा समय बहुत खराब चल रहा हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हों। तब तुम उस ताबीज को खोलना, तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। राजा उस ताबीज को लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उस राजा के राज्य पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और राजा को पता था कि यह उसके साथ एक दिन जरूर होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उसे राजा के पास ज्यादा सैनिक नहीं थे और इसीलिए वह यह जंग हार गया। लेकिन किसी तरह राजा एक घोड़े में बैठकर वहां से अपनी जान बचाकर निकल गया और वह जंगल के अंदर एक गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते कुछ सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वह राजा गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उसे सैनिकों के कदमों की आवाज आ रही थी। अब उस राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसे उन बुजुर्ग का दिया हुआ ताबीज अपने गले में नजर आता है। उसने बड़ी ही उम्मीद के साथ उस ताबीज को खोलकर देखा
उस ताबीज के अंदर उसे एक चिट्ठी देखी जिस पर लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह पढ़कर राजा को कुछ समझ नहीं आया, और जब उसने फिर से उसे लाइन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझा तो राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मान लो उसे कोई सहारा मिल गया हो। और फिर उस राजा ने एक गहरी सांस ली और उसने उन सैनिकों का मुकाबला किया और वहां से बच निकला, और दूसरे मुल्क में जाकर फिर से उसे राजा ने अपनी सल्तनत कायम की। दोस्तों, कहने को तो ये बहुत ही छोटी लाइन है कि उगे वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है। और जब भी आप कोई मुसीबत में फंस चुके हो, बहुत सारी परेशानी आप पर आ चुकी है, चाहे आप पर बहुत सारा कर्जा हो चुका हो, आपके पास काम नहीं है और आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तब ये लाइन खुद को बोलकर देखना। आपको एक सुकून मिलेगा और आपको ये फील होगा कि जाने दो, आज जो भी मेरी कंडीशन है, कितना भी मेरा वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन कल परसों और एक न एक दिन यह वक्त भी गुजर जाएगा, और तभी आपको उस मुसीबत से निपटने की हिम्मत मिल जाएगी। और वह कहते हैं ना कि जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो उस टाइम पर शुक्र करो, और जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो उस टाइम पर सब्र करो, क्योंकि समय अच्छा चल रहा हो या बुरा, वह ज्यादा दिन तक नहीं रहता। और जिंदगी उसे ही कहते हैं जिसमें दुख भी हो और सुख भी, तभी लगता है कि हम जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी गौतम बुद्ध रामदास को एक अद्भुत शिक्षा देते हैं। वो ऐसी कौन सी शिक्षा देते हैं जो कि रामदास को अपने जीवन में बहुत काम आती है, ये जानने के लिए सुनिए ये कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध किसी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए गए। वो जिसके घर पर गए थे उसका नाम रामदास था। गौतम बुद्ध उसके घर पर जाकर आवाज लगाते हैं और थोड़ी देर बाहर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद रामदास अंदर से आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि क्या बात है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, मैं भिक्षा मांगने निकला हूं, आपके पास यदि कुछ खाने को हो तो मुझे भिक्षा के रूप में देने की कृपा करें। रामदास ने गौतम बुद्ध से कहा कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अंदर घर में जाकर देख के आता हूं कि कुछ खाने के लिए है या नहीं। रामदास अंदर गया और उसने देखा कि उसके घर में आज खीर बनी हुई है। रामदास अंदर से ही चिल्लाता है, महाराज आप रुकिए, मैं आपके लिए खीर लेकर आता हूं। भगवान बुद्ध सोचते हैं कि मैंने इतनी देर तक इंतजार किया है तो थोड़ी देर और रुक जाता हूं। रामदास अंदर से एक बड़े बर्तन में खीर लेकर आया। रामदास ने बुद्ध से कहा कि आप मुझे अपना पात्र दीजिए, मैं आपको उसमें खीर दे देता हूं, पर आपको उससे पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे पहले अपना प्रश्न पूछ लो। रामदास ने कहा, मुझे ईश्वर प्रेम चाहिए, वो मुझे कैसे मिलेगा। रामदास ने यह भी कहा कि मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए बड़े बड़े संतों के पास गया, मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, किताबें पढ़ी, लेकिन मेरे अंदर नहीं भागवत प्रेम जागा, अब आप ही मुझे बताइए कि वो मुझे कैसे प्राप्त होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने प्रश्न तो बहुत कठिन पूछा है लेकिन मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे पहले जो तुम लाए हो कृपा करके मुझे दो ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख को मिटा सकूं, फिर मैं आराम से बैठकर तुम्हारे सवाल का जवाब सोचता हूं। रामदास ने कहा, महाराज आप मुझे आपका बर्तन दीजिए, मैं खीर आपके पात्र में दे देता हूं। बुद्ध ने अपनी झोली में से एक पात्र निकाला, लेकिन जब रामदास खीर डालने लगा तो उसने देखा कि वो पात्र तो बड़ा मैला है, उस पात्र में बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई थी। रामदास जब उस पात्र में खीर डालने लगा तो उसके हाथ रुक गए और उसने कहा कि महाराज ये पात्र तो बहुत गंदा है, मैं इसमें खीर तो डाल दूंगा लेकिन मेरा डालना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपका ये पात्र गंदा है, आप खीर ले लेंगे किंतु उसे खा नहीं पाएंगे, इसमें इतनी मिट्टी इतनी धूल है कि मेरा इसमें डालना बेकार हो जाएगा। महाराज आप ऐसा कीजिए कि पहले इस पात्र को स्वच्छ कर लीजिए, धोकर ले आइए, फिर मैं आपके पात्र में खीर दे देता हूं। रामदास की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, कहां की रामदास, बस यही तुम्हारे प्रश्न का भी जवाब है, तुमने मुझसे पूछा ना कि मुझे ईश्वर प्रेम कैसे मिलेगा, सुनो अभी तुम्हारे मन का जो पात्र है वह बड़ा मैला है, बिल्कुल इस पात्र की तरह, तुम पहले सत्संग करके, पूजा पाठ करके, अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाकर अपने मन रूपी पात्र को साफ कर लो तो अपने आप ईश्वर का प्रेम मिल जाएगा। सीख, हमें ईश्वर का प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने मन रूपी पात्र को साफ करना होगा, पहले इसकी गंदगी दूर करनी होगी,
तभी हमें ईश्वर का प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों चलिए अब हमारी पांचवी कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। एक दिन शाम नगर राज्य के राजा को भाग्य देखने वाले आर्षी के बारे में पता चला। उसके मन में भी अपना भाग्य जानने की इच्छा पैदा हुई। उसने आर्षी को लाने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। सैनिक आर्षी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर राजा के पास चलने का निवेदन किया। आर्षी ने निवेदन स्वीकार किया और राजा के पास जाने को तैयार हो गया। सैनिक आर्षी को सहसम्मान राजा के पास ले आए। राजा ने भी आर्षी की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका पूरा आदर सत्कार करने के बाद राजा ने उसे अपना भाग्य बताने का निवेदन किया। आर्षी ने राजा के भाग्य रेखा देखी और कहा, आपका जीवन सौभाग्य से परिपूर्ण है। आपके राज्य का विस्तार होगा और आपका जीवन में हर्ष उल्लास बना रहेगा। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आर्षी को ढेर सारे उपहार दिए। कुछ देर बाद राजा ने आर्षी से पूछा, गुरुवर क्या मेरे जीवन में कोई दुर्भाग्य भी जुड़ा हुआ है? आर्षी ने कहा, हर किसी का जीवन सौभाग्य और दुर्भाग्य का मिश्रण होता है। तुम्हारे जीवन में भी दुर्भाग्य है। और उसने राजा को उसके दुर्भाग्य के बारे में बता दिया। दुर्भाग्य के बारे में सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने सैनिकों से कहा कि आर्षी को फांसी पर लटका दिया जाए। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं जो अपने राजा के दुर्भाग्य की बात करता हो। सैनिक आर्षी को पकड़ कर ले जाने लगे। तब आर्षी ने राजा से कहा, राजन आपकी मृत्यु से जुड़ा सच मैं आपको बताना भूल गया। मेरी मृत्यु के ठीक एक घंटे बाद आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसने सैनिकों से कहा कि आर्षी को छोड़ दे। सैनिकों ने आर्षी को छोड़ दिया और आर्षी सकुशल अपनी कुटिया लौट गया। अपनी बुद्धिमत्ता से उसने अपने प्राण बचा लिए। दोस्तों यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि मुसीबत के समय अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि से हर मुसीबत से निकला जा सकता है। तो दोस्तों चलिए अब हमारी छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी वही अब छठी कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। वैशाली नगर राज्य का राजा बड़ा ही गरीब राजा था। पड़ोसी राज्य से युद्ध के बाद उसका राजसी खजाना खाली हो चुका था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ शेष नहीं था, मगर वह एक नेक दिल राजा था और प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रजा अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आती। वह उन्हें ध्यान से सुनता और अपने सामर्थ्य अनुसार उनका निराकरण करने का प्रयास करता। उसके दयालु और नेक स्वभाव के कारण प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि धन की कमी के कारण वह अपनी प्रजा के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। लंबी यात्रा के कारण वह भूख प्यास से बेहाल हो चुका था और रास्ते के किनारे निढाल होकर बैठा हुआ था। उसी समय राजा रोज की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए भ्रमण पर निकला। उसकी दृष्टि उस साधु पर पड़ी। वह उसके पास गया और उसका हाल पूछा। साधु ने कहा कि उसे जोरों की भूख लगी है। राजा उसे अपने महल ले गया और उसे भोजन करवाया। साधु राजा के दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका धन्यवाद देकर पूछा, महाराज आप इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं? राजा ने उसे बताया कि वह अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु उसके पास धन नहीं है, इसलिए वह दुखी रहता है। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज आपके पास दयालुता और नेक नियत का सबसे बड़ा धन है जो आप अपनी प्रजा में बांटते हैं। आपके पास जो है उसके साथ ही प्रजा की भलाई और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सब कुछ करते हैं। आपकी ये भावना आपको सबसे धनवान बनाती है, इसलिए आपकी प्रजा कमियों के बाद भी आपके राज में सदा प्रसन्न और खुशहाल रहती है। साधु के इन शब्दों का राजा पर गहरा असर हुआ। उसने तय किया कि वह जिस हाल में है उसी में खुश रहेगा और उसी हाल में रहकर अपनी प्रजा के साथ खुश रहेगा। वह समझ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन आंतरिक खुशी है। दोस्तों ये कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि धन की अधिकता न होने पर भी हम अपनी ईमानदारी, नेकी और दयालुता से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। वही अब एक और कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा का राज था। वह अक्सर सोचा करता था कि मैं राजा क्यों बना। एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने यह प्रश्न उनके सामने रखा, जिस समय मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा, उन सब में मैं ही राजा क्यों बना?
इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे सका। लेकिन एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को सुझाया कि राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा कदाचित उसके प्रश्न का उत्तर दे सकें। राजा तुरंत उस महात्मा से मिलने वन की ओर निकल पड़ा। जब वह महात्मा के पास पहुंचा तो देखा कि वो अंगारे खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया, किंतु उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था, इसलिए उसने इधर उधर की कोई बात किए बिना अपना प्रश्न महात्मा के सामने रख दिया। प्रश्न सुन महात्मा ने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूं, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे, वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे, तुम उनसे जाकर मिलो। राजा बिना समय व्यर्थ किए पहाड़ी पर पहुंचा। वहां भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि वहां वह महात्मा चिमटे से नोच नोच कर अपना ही मांस खा रहे हैं। राजा ने उनके समक्ष वह प्रश्न दोहराया। प्रश्न सुनकर महात्मा बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं भूख से तड़प रहा हूं। इस पहाड़ी ने नीचे एक गांव है, वहां 5 वर्ष का एक बालक रहता है, वह कुछ ही देर में मरने वाला है, तुम उसकी मृत्यु पूर्व उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो। राजा गांव में जाकर उस बालक से मिला। वह बालक मरने की कगार पर था। राजा का प्रश्न सुन वह हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसता देख राजा चकित रह गया, किंतु वह शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो दो महात्मा जिनसे तुम पहले मिल चुके हो, वो भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे कि एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा, और आज वह अंगारे खा रहा है। दूसरे भाई ने कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा, और आज वह अपना ही मांस नोच कर खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा कि तुम्हें भोजन देकर क्या मैं भूखा मरूंगा, और आज मैं मरने की कगार पर हूं, किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया। उस पुण्य का ही प्रताप है कि इस जन्म में तुम राजा बने। इतना कहकर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, वह अपने राज्य की ओर चल पड़ा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, इसलिए सदा सकर्म करो और जहां तक संभव हो दूसरों की सहायता करो। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ी था, पानी की कमी से फसलें सूख गईं। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ी डीएच गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः काल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड्डोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड्डी एच जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी छक्कर खाता और पेड्डा के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है, अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है, वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो, साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूं कि अब कोई व्यवसाय कर लूं, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। राजा ने उत्तर दिया, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूं,
मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा, राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूं और गहरी नींद सोता हूं। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूं, फिर ये परिवर्तन कैसे? ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। सीख, जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी आठवीं कहानी की शुरुआत करते हैं। आठवीं कहानी, एक राजा और गूंगे फकीर में गहरी मित्रता थी। राजा फकीर से अपने दिल की हर बात कहता और फकीर मुस्कुराते हुए सुनता। राजा को उसका साथ इतना भाने लगा कि उसने उसकी रहने की व्यवस्था अपने महल में करवा दी थी। फकीर राजा के साथ महल में रहने लगा। समय गुजरता गया और राजा का उसके प्रति प्रेम बढ़ता गया। एक दिन राजा अपने काफिले के साथ राज्य भ्रमण पर निकला। फकीर भी उसके साथ था। शाम को वे राज्य के अंतिम छोर तक के गांवों की स्थिति जानकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा। राजा का काफिला रास्ता भटक गया। राजा ने अपने सारे सैनिकों को रास्ता ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया और खुद फकीर के साथ एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उसी पेड़ पर एक फल लगा हुआ था। राजा और फकीर दोनों भूखे थे। राजा ने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लिया और उसके 6 टुकड़े कर दिए, 3 अपने लिए 3 फकीर के लिए। अपनी आदत के अनुसार उसने पहला टुकड़ा फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने दूसरा टुकड़ा भी फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और फिर से अपना हाथ आगे कर दिया। राजा ने उसे तीसरा टुकड़ा भी दे दिया। एक एक करके फकीर 5 टुकड़े खा गया और 6वें के लिए भी हाथ आगे बढ़ा दिया। ये देख राजा को बड़ा क्रोध आया। बोला, ये मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है कि मैं तुम्हें अपने महल में अपने साथ रखता हूं, हर सुख सुविधा तुम्हें मुहैया करवाता हूं, पर आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी प्रेम नहीं है। भूखा मैं भी हूं, किंतु तुम इतने स्वार्थी हो कि सारा फल खुद खा जाना चाहते हो। तुम्हारी असलियत में जान गया। आज से हमारी दोस्ती खत्म। अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दूर चले जाओ। फकीर चला गया। फकीर के जाने के बाद राजा फल का आखिरी टुकड़ा खाने लगा, लेकिन फल को चबाते ही उसने फल थूक दिया। फल इतना कड़वा था कि उसे खाया ही नहीं जा सकता था। राजा को समझ आ गया कि फकीर क्यों सारे टुकड़े मांग कर खा जाना चाहता था, और यह भी कि उसका प्रेम कितना गहरा था। राजा की दी हर चीज वह खुशी खुशी स्वीकार करता था और सदा मुस्कुराते रहता था। इसलिए जब राजा ने उसे फल दिया तो वह भी स्वीकार किया और कड़वा होने के बावजूद मुस्कुराते हुए खा गया। वह सारे टुकड़े इसलिए मांगकर खा जाना चाहता था ताकि राजा को इस बात का पता न चल सके कि वह साधु को कड़वा फल खिला रहा है। जब राजा के दिए मीठे फल उसने खुशी खुशी खाए थे तो कड़वा क्यों ना खाता? ये बात समझ में आने पर राजा पछताने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी। अपने संदेह के कारण वह अपना परम मित्र को छुका था। सीख दोस्तों, सच्चा दोस्त कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, वह आपको रोकेगा भी। तो आपके भले के लिए सच्ची दोस्ती हमेशा सहेज कर दोस्ती के फल में संदेह का कीड़ा लग जाए तो उसे खराब होते देर नहीं लगती। इसलिए जब भी दोस्ती करें, भरोसे की नींव पर करें। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी 9वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 9वीं कहानी, एक बार की बात है। यूनान के सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। फांसी का समय शाम के 6 बजे मुकर्रर किया गया। फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ जाकर वजीर को बता दो कि शाम को ठीक बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मान सैनिक की एक टकदढ़ी वजीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां तो जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा है, नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी।
कुल मिलाकर वहां का माहौल बद्धा खुशनुमा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर वजीर को फांसी की सजा के बारे में बताया। यह भी बताया कि फांसी शाम 6 बजे दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। फौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी में वजीर की आवाज गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? फांसी की सजा सुनाई गई है तुम्हें और तुम जश्न मनाना चाहते हो। वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे लेकिन वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। यह खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंचाई गई। सम्राट पूरा माजरा जानने वजीर के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मानते हुए देखा तो वह भी दंग रह गया। उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो। वजीर बद्दे ही अदब से बोला, हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे मुकर्रर किया। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका। यदि आप मुझे ये वक्त न देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता? फांसी पर लटकने के पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है। ये मैं क्यों जाया करूं? मेरे पास जितना भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। ये बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सजा माफ की जाती है। सीख, जिंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें। ये जरूर है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने अखद्धा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इसे खुलकर जिएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।